कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिससे निपटने के लिए अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कोरोना के मरीजों को बाहर रेफर न कर उनका इलाज अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में ही करने के निर्देश दिए। वहीं द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोविड के मरीजों के लिए 400 बेड का अस्पताल बनाने की बात कही। सांसद अजय टमटा ने बताया कि अल्मोड़ा के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है। यहां कोविड के मरीजों के लिए 300 बेड की व्यवस्था की गई है। अभी तक बेस अस्पताल ये व्यवस्था देख रहा था, लेकिन अब कोविड के मरीजों के इलाज की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज को सौंपने की बात हुई है। इसको लेकर वो प्रदेश के सीएम से भी बात करेंगे। इसके अलावा कोविड मरीजों को रेफर न कर उनका इलाज यहीं हो, इसके लिए जरूरी उपकरण और जीवन रक्षक दवाइयां मंगवाई गई हैं। आया है कि जिस प्रकार से हमारा मेडिकल कॉलेज और बेस हॉस्पिटल इस समय जो मेडिकल कॉलेज है वो कोविड से संबंधित काम को देख रहा है, ओपीडी वगैरह हमारा बेस देखता है। अभी बात यह आई कि जिस प्रकार से हमारे पास अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में 450 बेड यानी करीब लोग मिला करके 200 कुछ बेड इधर है, 90 बेड इधर हैं, ये दोनों को मिला लिया जाए और मेडिकल कॉलेज को ही ये व्यवस्थाएं सौंप दी जाएं, तो इससे क्या है कि हमको एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। इस पर अभी मैं बात करूंगा प्रशासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करता हूं। सेकंड जो है कि हमारे जो ये जो टेस्टिंग वाला है उसमें हम अभी तक 800 लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। कुछ स्टाफ हम बढ़ाते हैं जो कि हम 1500-1600 की आरटीपीसीआर करते हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी उसको ये पता चल जाए कि मेरे को क्या समस्या है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए आज स्टाफ की भारी कमी है। इस संबंध में वो स्वास्थ्य सचिव और शासन से जल्द बात करेंगे। और जो बहुत डेंजरस स्थिति में है उनको सुशला तिवारी रेफर किया जा रहा है, तो हमने डॉक्टर साहब से आज ये बात कही कि भाई जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उनको तो भेजिए, लेकिन सबको मत भेजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन से बात करने वाले हैं अभी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको तो भेजें। बाकी जो हमारा मेडिकल कॉलेज है लगभग 35 डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं अभी, उनके द्वारा उसको काम कराया जाए, उनके द्वारा उनको देखा जाए, उनके द्वारा उनको ट्रीटमेंट कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि द्वारहाट के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक 400 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के मरीजों का इलाज वहीं हो सके। पंजाब केसरी टीवी के ललमोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।